Let's start revision of Unit 9, a shooting test. क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं यहाँ पे, तो वो देख लेते हैं. Why does Bhim want to go away? Bhim wants to go away because he is very hungry. तो भीम जाना चाहता था क्योंकि वो बहुत भूखा हुआ था. What does Guru Dron ask the prince to fetch? Why? तो Guru Dron ने प्रिंस को क्या करने के लिए कहा, क्यों? Guru Dron asked the prince to fetch their bows and arrow because he wants to test their shooting. तो Guru Dron ने प्रिंस को कहा कि आप अपने bows and arrow लेके आओ क्योंकि वो शूटिंग की टेस्ट लेना चाहते हैं. What does Duryodhan see at the time of shooting? Duryodhan sees the tree, the branch, the bird, the sky and many other things at the time of shooting. Who is asked to take an aim after Duryodhan? Sahadev is asked to take an aim after Duryodhan. What is Dushasan proud of? Dushasan को किस बात का बड़ा ही अभिमान था? Dushasan is proud of his good eyesight. तो उसकी अच्छी eyesight के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा proud था. आगे हम देखते हैं question 6. What makes Guru Dron sad? तो द्रोण, गुरु द्रोण जो थे वो क्यों सैड हुए? द आंसर्स ऑफ द प्रिंस मेक्स गुरु द्रोण सैड. हु इज द लास्ट वन टू टेक द टेस्ट? अर्जुन इज द लास्ट वन टू टेक द टेस्ट. व्हाट डज गुरु द्रोण से अबाउट द टेस्ट? तो गुरु द्रोण ने टेस्ट के बारे में क्या कहा? जो परीक्षा वो लेने वाले थे उसके बारे में क्या कहा? गुरु द्रोण सेज दैट इज वाज नॉट जस्ट अ शूटिंग टेस्ट. ये सिर्फ शूटिंग की टेस्ट नहीं थी, बट अ टेस्ट टू टेस्ट द पावर ऑफ द प्रिंस कॉन्सेंट्रेशन. तो आप सब जो राजकुमार थे उनकी एकाग्रता की पावर चेक करने की ये टेस्ट थी. हु सक्सीड इन द टेस्ट? बाय अर्जुन सक्सीड इन द टेस्ट बिकॉज ही कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन द टारगेट. तो अर्जुन सक्सीड हुए टेस्ट में क्योंकि वो सिर्फ अपने टारगेट को ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहते थे. What could Bhim see? Bhim could see the branch, the bird and the sky. आगे हम एक्टिविटी 4 पे देखते हैं. यहाँ पे ये जो एक्टिविटी 4 दी गई है उसमें आपको क्या करना है? स्टडी द फॉलोइंग एंटोनिम्स. तो विजिबल, उसका एंटोनिम्स IN आगे हमने लगाया तो क्या बन गया? इनविजिबल. ऑर्डिनरी, तो उसमें आगे क्या हमने ऐड किया है? एक्स्ट्रा, तो ये बन गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. फिर आता है सेटिस्फेक्शन, तो डिससेटिस्फेक्शन DIS ये हमने क्या ऐड किया है? DIS प्रीफिक्स ऐड किया है, तो ये बन गया डिससेटिस्फेक्शन. सेंस, सेंस के आगे हमने क्या प्रीफिक्स लगाया? NON, नॉन, तो ये क्या बन गया? नॉनसेंस. तो ये है कुछ वर्ड के यहाँ पे एंटोनिम, दैट मीन्स ऑपोजिट. उसी तरह कुछ ऐसे है, अग्री, अग्री का DIS लगाते हैं तो डिसअग्री बन जाता है. देखो स्टूडेंट्स, आगे हम रीड करते हैं. देखो अग्री, तो DIS लगाने से डिसअग्री, एक्टिव का इनएक्टिव, वेजिटेरियन का नॉन वेजिटेरियन, कंफर्ट का डिसकंफर्ट, एफिशिएंट का इनएफिशिएंट. ये हो गए हमारे क्या बन गए? एंटोनिम्स बन गए. फिर वायोलेंट, वायोलेंट का नॉन वायोलेंट, स्टॉप का नॉन स्टॉप, स्टिक का नॉन स्टिक, कैपेबल का इनकैपेबल. उसी तरह आप भी कुछ वर्ड्स के आगे INDIS, एक्स्ट्रा, NON ऐसे प्रीफिक्स बना के आप एंटोनिम्स फॉर्म कर सकते हो.
यहाँ पे एग्जाम्पल है, व्हाट इज द सन? अ स्टार. फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी स्टार्ट दांडी मार्च? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द स्पेस? राकेश शर्मा. हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर? 1000. हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन इंडियन फ्लैग? सेफ्रन, व्हाइट, ग्रीन. वेन डिड इंडिया विन द फर्स्ट वर्ल्ड कप इन क्रिकेट? 1983. हाउ ऑफन आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड? एवरी 4 ईयर्स. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 6 दी गई है, उसमें आपको कुछ एक्सप्रेशन दिखाने ये है. तो विल कमेंट सून, बट व्हाट्स द टेस्ट अबाउट? डोंट शूट, इट वॉजंट जस्ट अ शूटिंग टेस्ट. तो ये क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्शन. जब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि दो वर्ड्स में हम क्या लगाते हैं, देखो कॉमा लगाते हैं, है ना, एपोस्ट्रोफी वाला. तो एपोस्ट्रोफ लगाते हैं और दो वर्ड्स को ज्वाइन करने होते हैं. तो आई एम का आम, आई विल का आई, ही इज का हीज, ही वुड का वुड, यू आर का योर, विल नॉट का वॉन्ट, दे हैव का दे हैव, लेट्स का लेटस का लेट्स, डज नॉट का डजंट. नाउ राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कॉन्ट्रैक्शन. तो इसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन यूज करना है. तो क्या होगा? व्हाट्स योर फादर? फिर वेयर विल यू गो? फिर इट, आई, लेट्स, डोंट एंड डजंट. तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन.